तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 सितंबर और मंडे, स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूं मैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज देवांश स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी सब लोग स्टार्ट हो चुका है बाबा जी का श्राद्ध का सारा काम। तो फटाफट से अभी सारे लोग कर रहे हैं तैयारी और कुछ देर में पंडित जी भी आते होंगे तो वो सारा चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी मेरा स्कूल का टाइम है तो उसको नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और नानी के 13वीं वाले कार्यक्रम में जाने का जो शेड्यूल है वो मम्मी लोग अभी ये निपटा के श्राद्ध करवा के जल्दी ही निकल जाएंगे। उसके बाद में अभिषेक लोग निकलेंगे, अभिषेक भाभी सारे लोग जाएंगे बुआ लोगों के साथ में। मेरा अभी भी श्योर नहीं है कि मैं जाऊँगा कि नहीं, शायद मैं और बड़ा वाला भाई नहीं जा रहे हैं। देखते हैं, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है जाने का तो देखा जाएगा, अदरवाइज़ कैंसिल कर देंगे प्लान। तो अभी फटाफट से मैं निकल रहा हूँ स्कूल और मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइज, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं घर पर ही हूँ। कानपुर जाने का प्लान मेरा पोस्टपोन हो गया, मैं नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मम्मी को कॉल किया था स्कूल से आकर के और मम्मी ने बोला कि अब जो है अभी हो रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिले, तो इसलिए अब रहने दो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट है वहाँ पे अभी सारी चीज़ें। और पंडित जी वगैरह जो हैं उनका कुछ 3 हो गया था, वो 1-1.5 घंटा काफ़ी डिले उनका हो गया है, तो मे भी वहाँ की चीज़ें शुरू हो जाएंगी और अब वो लोग हैं वहाँ पे मैनेज करवा करके चले आएंगे। तो इस वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है जाने का, अदरवाइज़ मुझे फिर मैनेज करके कैसे भी जाना पड़ता। बट जा करके और तुरंत तुरंत वापस आना उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि सिर्फ जाना और आना करना पड़ता, तो इस वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। और अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन क्योंकि मेरी फिंगर का नेल साइड से आप देख पा रहे हैं कि निकल गया है और कल रात को ये हुआ था, इसमें से आया था काफ़ी ज़्यादा ब्लड। तो फ़िलहाल ये अभी बहुत टपक रहा है, टपकन वाला इसमें पेन है। अभी देखते हैं, भाभी आएंगी तो कुछ लगवा लेंगे इसमें उनसे, क्योंकि हल्दी वगैरह मम्मी बोल रही थी कुछ की ऑयल गर्म करके इस पर हल्दी लगवा लो। अब भाभी आएंगी वही करेंगे। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ अभी बना लेता हूँ चाय वाय क्योंकि अभी अकेले ही हूँ, बड़ा वाला भाई भी अभी आया नहीं है तो उनके आने का भी टाइम हो गया है, तो बना लेते हैं चाय और पीते हैं अकेले ही बैठ करके तब तक। और गाइस, पार्क की हो गई है साफ सफाई। मैंने आपको कल ही बताया था कि पार्क हो रखा है काफ़ी ज़्यादा गंदा और आज ये सफाई करके यहाँ पे ढेर लगा दिया गया है, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई। और गिलहरी भागते हुए जा रही है, अच्छा लगता है गिलहरी देख करके। ये काफ़ी ज़्यादा अब तो जब से पार्क में बाउंड्री ग्रास वगैरह पेड़ वगैरह भी सारे हो गए हैं उसके बाद से तो काफ़ी गिलहरियाँ यहाँ रहती हैं, पहले नहीं थी बट अभी हैं। तो गाइज, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं रेडी हुआ हूँ अभी बर्थडे में जाने के लिए। आज है सूफी का बर्थडे तो अभी फ़िलहाल रेडी होकर के जा रहे हैं। अभी बहन का कॉल आया था और टाइमिंग है 7:30 बजे के आसपास की, तो अभी पहुँचते हैं थोड़ी देर में। और आप सब भी उसको कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश कर दीजिएगा। बाकी मैं दिखाता हूँ वहाँ पहुँच कर। तो गाइज, अभी सारा है हमारे साथ में और सारा बताएंगे कि झूठ, इनका निक नेम है चुलबुल। तो मिस्टर चुलबुल पांडे, आप हमें ये बताएं कि आपसे किसने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? दादी ने क्या बोला? झूठ बोलना पाप है। तो गाइज, आप यहाँ से सीख ले सकते हैं कि झूठ बोलना पाप है। और एक बच्चा हमारे साथ में है जो कि देख रहा है मोबाइल और लगा हुआ है मोबाइल में, मतलब वो क्या ही बोले, इतना मोबाइल होता कि पिंक पर्दा, पिंक बच्चा, पिंक मोबाइल और एक पिंक छिपकली इधर है। और गाइज, सूफी गई हुई है तैयार होने के लिए अभी और रेडी होकर के आती, तब तक हम लोग करते हैं सारा से कुछ बात और फिर आपको दिखाते हैं केक कटिंग। Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तो गाइज अभी अभिषेक को मैंने कॉल किया था और उसने भेजी है वहां से कुछ क्लिप्स, तो नानी के 13वीं का जो भी कार्यक्रम था उसका एक शॉर्ट क्लिप भेजा है अभिषेक ने, तो उसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, अब देख लीजिएगा। तो गाइज अभी टाइम हो रहे हैं रात के अप्रॉक्स 9:30 और मैं घर आ चुका हूँ। बर्थडे में काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हम ही थे घर में ही, सारे लोग थे। और सूफ़ी जो है पहले बहुत उदास थी, कोई आया नहीं, बट सडनली फिर हम लोग पहुँचे तो उसने जो है इन्जॉय किया, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और मम्मी लोग भी, सब लोग आ रहे हैं, मम्मी लोग ट्रेन से आ रहे हैं, मम्मी, बुआ और बड़ा वाला भाई, बाकी सारे लोग आ रहे हैं अपनी कार से ही और ऑन द वे हैं। अभी लखनऊ एंटर कर चुके हैं, जस्ट अभी बात हुई है तो हम उसी क्रॉस कर चुके हैं, कुछ ही देर में आते होंगे घर। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं पापा को देखते हैं, पापा आ चुके हैं ऑफिस से और देख लेते हैं कि अगर उनको कुछ खाना वाना हो तो पूछ लेता हूँ मैं। बाकी फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।